वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2020 में इंडिया में कितने एक्सीडेंट हुए और इनमें कितने व्यक्ति यानी कि कितने पर्सन का डेथ हुआ, और इसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने क्या क्या स्टेप लिए और डिटेल में देखने वाले। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और डेली न्यूज अपडेट के लिए स्वयं स्टडी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फेसबुक पेज की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी फॉलो कर दीजिए, सभी अपडेट आपको वहां से मिल जाएगी। तो जो कार और बाइक जो मैन्युफैक्चर होते हैं, कस्टमर को सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने, वो डिटेल में हम देखने वाले। और 2020 में कितने एक्सीडेंट हुए थे, करीबन 4.5 लाख के आसपास एक्सीडेंट हुए थे इंडिया में, और इनमें 1.5 लाख के आसपास व्यक्ति का डेथ हो गया था, और इनमें करीबन 4.5 लाख व्यक्ति का इंजर हुआ था। तो पूरे के पूरे डेटा को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है, एक ड्राफ्ट बिल बनाया है कार एंड मैन्युफैक्चर कंपनी के लिए। तो ड्राफ्ट बिल में नोटिफिकेशन में पहला अपडेट वो आया है कि आपने देखा ही होगा कि जो कार होती है इनमें ऑटोमेटिक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एक ही बटन से पूरी कार को लॉक किया जाए, जितने भी डोर है एक ही स्विच से, एक ही बटन से पूरी की पूरी कार लॉक हो सकती है। तो इनमें क्या इश्यू आता है, और जब एक्सीडेंट होता है तो कार एक्सीडेंट होता है, इनमें जो कार के अंदर जितने भी बैठे उनको बाहर निकलने के लिए कई बार शीशा तोड़ना पड़ता है, और कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स लॉकिंग सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इनमें जितने भी लोग अंदर बैठे उसका मृत्यु हो सकता है। तो पूरे के पूरे डेटा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि आपको जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको ऑटोमेटिक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और मैनुअल लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि कस्टमर को सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा है ओवर स्पीड अलार्म। मान लो कोई भी गाड़ी होती है इनमें एवरेज स्पीड होती है, ओवर स्पीड अलार्म बज जाएगा। मान लो एक सर्टेन स्पीड को ऊपर सेट किया जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड पर आप चलाओगे तो अलार्म बजेगा, और अलार्म के साउंड से आप परेशान हो जाओगे, और ऑटोमेटिकली आप अपनी कार हो बाइक हो कम चलाओगे, इससे एक्सीडेंट कम होगा। और इसका जो रीज़न है चेंज करने का वो है, इंडिया में जितने भी 4.5 लाख जो एक्सीडेंट हुए हैं इनमें ओवर स्पीड से एक्सीडेंट हुए, 67% एक्सीडेंट ओवर स्पीड से हुए। और तीसरा चेंजेस वो किया है, कंपलसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एयर बैग को कंपलसरी कर दिया है। और चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजिंग है, सीट बेल्ट अलार्म कंपलसरी। सीट बेल्ट आप नहीं लगाओगे तो अलार्म बजेगा, और अलार्म के इतना साउंड होगे तो आप परेशान हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप सीट बेल्ट को पहन लेंगे। और साथ साथ जुलाई 2020 में इंडिया ने जो रूल्स है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। पहला रूल कौन सा, ये अलग है और ये भी अलग है। जुलाई 2020 में पूरा का पूरा रूल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और अभी चल रहा है। पहला पॉइंट, जिस कार्गो है, गाड़ी है, व्हीकल है जिसका वजन 3.5 टन से ज़्यादा है, इनमें TPMS यानी क्या होता है, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इनमें लगाया दिया जाए, क्योंकि आपको डिस्प्ले पर गाड़ी की स्पीड दिखती है, वो सब पैरामीटर दिखता है, तो साथ साथ आपको TPMS टायर का प्रेशर कितना है, ज़्यादा है कम है, इससे आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या टायर फट सकता है, कितनी देर गाड़ी को होल्ड करना है, वो सभी डेटा आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी को आप होल्ड करोगे और इससे जो टायर फटने का इश्यू है वो सोल्व हो सकता है। और इनमें दूसरा चेंजेस वो किया गया है, टायर रिपेयर किट भी आपको माउंट करना होगा। और तीसरा चेंजेस है,
जो आपने ज्यादातर देखा होगा, जो टू व्हीलर होती है इनमें जो पीछे जो बैठने वाले लोग को होते हैं उसको परेशानी होती है फुट रेस्ट का, यानी बैठने में तकलीफ जो पड़ती है, आपके पैर कहीं आप उधर उधर रखते हो, किसी का पैर लटकता होता, तो इससे निपटने के लिए जो इंडियन का जो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने AIS यानी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक फुट रेट्स के लिए एक स्टैंड बना दिया है, वही इसका इस्तेमाल करना होगा और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 जनवरी 2020 तक। इनको आपको इम्प्लीमेंट कर देना आपके सेफ्टी के लिए, और जो पीछे बैठे उसको कोई ना कोई पकड़ने के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना होगा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो पीछे बैठे उनका जो कॉटन होता है, कपड़ा होता है, वो पीछे व्हील में आ जाता है और पूरा का पूरा कपड़ा फंस जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए जो पिछले टायर है इनमें आधे के भाग में कवर लगाना कंपलसरी कर दिया है। तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ने कस्टमर के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जितने पॉइंट है वो सभी को आपको याद रखना है और सभी को बता देना है। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 50% इंडिया का एक्सीडेंट को कम करना, इनमें आपको भी सपोर्ट करना होगा और सभी रूल आपको याद रखना होगा, सभी फ्रेंड सर्कल को बता देना, बाइक हो कार मैन्युफैक्चर हो इसके लिए इतने अपडेट आइए, और आप वैसे ही कस्टमर हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, न्यूज, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के वीडियो की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए, प्रीवियस वीडियो देखिए, और आप मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़ सकते हो। डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और न्यूज़ की अपडेट आपको इंस्टाग्राम पेज से मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए और डेली अपडेट आपको मिलते रहिएगी, और डेली वीडियो देखते रहिए। वीडियो शेयर करना मत भूलिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।